अभी नहाया है मैक्स। अबे पहचान में भी नहीं आ रहा भाई, सुअर लग रहा है। ओ डाइव, मैक्स की डाइव। हाँ भाई, इतनी जल्दी क्या है, आराम से सुनाओ तो ना कहानी। तो आ जाओ। हाँ जी, वेलकम टू दिस ग्लोरियस मॉर्निंग। एंड यू नो व्हाट, व्हाट इज गोइंग टू बी इवन गॉर्जियस दिस डे, आज का दिन। तो भाई आज हम जाने वाले हैं पिथौरागढ़ से 4 घंटे दूर हॉट वाटर स्प्रिंग्स को एक्सप्लोर करने के लिए। हॉट वाटर स्प्रिंग्स पता है ना? नहीं। अरे बाबा, वही जहाँ जमीन से गर्म पानी निकलता है। ठीक है, समझ गई, बट ये बताइए ये है कहाँ? तो आपने मुंशियारी का नाम सुना है राइट? तो मुंशियारी के बिल्कुल पास एक जगह है मदकोट, और हम वहीं आज जा रहे हैं। समझ गई, बट आप ये बताइए कि आप लॉकडाउन में बाहर कैसे जा रहे हैं? तो देख छोटी, ये जानने के लिए तो एक कहानी सुननी पड़ेगी, तो चलो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैक्स की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब चल रही है। पिछले कुछ दिन काफ़ी स्ट्रेसफुल जा रहे हैं हमारे लिए। अभी रिकवर कर रहा है मकू, बट धीरे धीरे हो रहा है सब कुछ। तो वीडियो आप देखिए, आप इन्जॉय करिए, मैक्स ने बहुत मज़े मारे हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और साथ में मैक्स के लिए प्रे भी करिएगा, अपने बच्चे की रिकवरी के लिए। चलो ओके। तो देखो, आपको पता है ना, आपका भाई एक आर्किटेक्ट है, तो बस ये जो जगह हैं इनको हम उत्तराखंड गवर्नमेंट के लिए डेवलप कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, और बस उसी काम के लिए मेरे को वहाँ पे जाना था। फिर मैंने सोचा कि जब हम वहाँ जा ही रहे हैं और वहाँ पे इतना सारा पानी होने वाला है, तो क्यों ना मैक्स को भी ले चलें। तो हमने मैक्स को साथ ले लिया। अकू का तो मैं समझ गई, और गोस्ट टू? यार यही इस कहानी में एक सैड पार्ट है कि गोस्ट को हम वहाँ नहीं लेके जा रहे। उसका रीज़न ये है कि वो जो जगह है, बिकॉज वहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं, तो वहाँ पे स्टीम उठती है और वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो गोस्टू वहाँ जाकर ना थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाएगा। घूमना फिरना ठीक है, पर अगर गोस्टू वहाँ जाके मज़े ही ना कर पाए तो फिर लेके जाने का फायदा है क्या? ओके फाइन, चलो अब आगे की कहानी सुनाओ। तो देखो, इस पूरी कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि गोस्टू से छुप के चुपचाप घर से निकलना, क्योंकि अगर गोस्टू के सामने मैं और मैक्स चले गए तो हमारे पीछे से गोस्टू पूरे घर को सर पे उठा लेगा। तो प्लान ये है कि गोस्टू को हम घुमाने फिराने के लिए भेजेंगे बाहर, और पीछे से चुपचाप जाके गाड़ी में बैठ जाएंगे और निकल लेंगे अपनी एडवेंचर पे। तो अभी हम बस निकल रहे हैं, पर दिक्कत ये है कि गोस्टू को नहीं ले जा सकते, बिकॉज वहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स है ना, तो बहुत ज़्यादा गैस होती है, बहुत ज़्यादा स्टीम होती है, तो गोस्टू को बहुत गर्मी लगेगी वहाँ पे। पर मक्कू तो जाएगा, एंड मक्कू को पता नहीं है हम उसके लिए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, बहुत सैड हो रहा है। मक्कू मैं जा रहा हूँ फिर, हाँ बाय। मैक्स ने पैकिंग देख लिया, मैक्स का मूड ख़राब है। अब प्लान ये है कि हम पहले अश्विन को बुलाया मैंने, वो गोस्टू को सुसु कराने के बहाने ले जाएगा घुमाने के बहाने, और पीछे से मैक्स और मैं एकदम फ्री है ना। हेलो ब्रा, ब्रो एक काम है ब्रो। बोलो। मैक्स और मैं जा रहे हैं घूमने कहाँ? मदकोट। ठीक है, तो और गोस्ट को लेकर नहीं जा रहे, तो गोस्ट को तो अभी सुसु कराने घुमाने के बहाने ले जाएगा, और पीछे से मैक्स और मैं गोल हो जाएंगे। आई नो ये एक धोखा विश्वासघात की तरह होगा गोस्ट के लिए, बट करना पड़ेगा तेरे को। क्या करवा रहे हो? अबे वहाँ गर्मी है ना, नहीं तो ले जाता मैं गोस्टी को, मेरे को भी तो बुरा लग रहा है उसके लिए, पर गर्मी है वहाँ। ठीक है, चलो भाई, चलो फिर आप इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। गोस्टू मैं बच्चा, आई मिस यू, ओलो ओलो प्यार भी कर रहा है। अरे अरे अरे, चलो चलो घुमा घुमा, चलो 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 चलो, दौड़ के जाना, दौड़ के दौड़ गया, आना मत 10 मिनट तक। ठीक है, बाय बाय गोस्टू, आई विल मिस यू। चलो चलो चलो, मैं ना फोन से कर रहा हूँ वीडियो, भी इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज। चलो चलो चलो, हमारे सेक्सी बॉय सूर्य आ चुके हैं। यो यो, सेक्सी बॉय नंबर 2 आ चुके हैं। हेलो हेलो। तो दोस्तों, आपको समझाता हूँ कि हम जा कर रहे हैं,
तो ये है दोस्तों पिथौरागढ़। ये येलो लाइन के इस तरफ ये दिख रहा है आपको पूरा नेपाल, ये दिख रही है आपको दारमा वैली, ये रहे हमारे हिमालयस, और अगर मैं थोड़ा सा आपको ऐसे दिखाऊं तो ये दिख रहा है कैलाश मानसरोवर। अब पिथौरागढ़ से हमें जाना है इस जगह पे जो कि है मतकोट, और मतकोट के पास एक जगह है सेरा। सेरा और मतकोट इन दोनों जगहों पे हमारी साइट है, और जहाँ जाने के लिए हम ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो है सेरा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े से हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं। इन जगहों की खासियत क्या है ना दोस्तों कि यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं और सामने देख रहे हो आप माइटी हिमालयस। आप सोचो कि गर्म पानी में पैर डुबा के हिमालयस को देखने का जो मजा है, ओहो वो कहाँ मिलेगा। और दोस्तों ये रास्ता देख रहे हो, ये इस जर्नी का ना बेस्ट पार्ट है, मक्खन सी रोड और दोनों साइड पे जंगल। यहाँ पे गाड़ी से ट्रैवल करने का जो मजा है ना वो शायद ही कहीं और पिथौरागढ़ में आपको मिलेगा। तो हम फाइनली थोड़ा दूर आ गए, मक्कू गोस्टू से काफी दूर आ चुके हैं, मक्कू को सुपोर्टी करा लेते हैं। अच्छा मक्कू, तो जहाँ हम जा रहे हैं यहाँ से करीबन 4 घंटे दूर है, और फटाफट जहाँ पहुँचना है, काम निपटाना है, फिर मक्कू को स्विमिंग विमिंग करानी है मस्त एकदम। कि मक्कू आज तो मछली बनेगा, चल पोते का जल्दी से। यार ये डी ना बड़ा बदतमीज होता जा रहा है, मतलब सुसु पॉटी कुछ भी हम करें सब कुछ रिकॉर्ड करके उठा के वीडियो में डाल देता है। अब अगर ये वीडियो में कुछ डाले ना हमारा कुछ सुसु पॉटी वाला सीन, तो उठा के डिसलाइक कर देना, हमारी कोई इज्जत ही नहीं छोड़ी आप लोगों के सामने इसने। चलो जी चलो, आज तो नहीं डाला। वो देखो दोस्तों सामने पूरे हिमालयस दिख रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टी है बट आपको आप देख सकते हैं। अब देखो जहाँ हम जा रहे थे वो हमसे 4 घंटे दूर था, और हमें वहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुँचना था, सो दैट मौसम ख़राब होने से पहले हम अपना सारा काम भी निपटा लेते और मक्कू को ढेर सारा टाइम भी मिल जाता खेलने के लिए। तो मैंने सूर्य को बोल दिया कि भाई अब गाड़ी स्टार्ट करिए ना, तो अब सीधे मंजिल पे जाके रुकना। पर हम थोड़ा चल ही रहे थे कि मैंने देखा एकदम से काफल नहीं कर रहा। देखो वैसे मैं बहुत सख्त लौंडा हूं पर यहां मैं पिघल गया। तू नहीं आया, तू तेरे को काफल खाने का ऐसे करना करता नहीं है, सुनना होगा। ए मक्कू पक है ना इसके साथ? हाँ। इसका भी अपना अलग टेस्ट है, मतलब ये गजब बना के लाते हैं। मतलब अच्छे से रहता है ना, कंफर्टेबली बैठता है एकदम। आई नो इंसानों के जैसे एकदम, जैसे कि तो छोटा मोटा इंसान ही हो। हाँ तो तू क्या कह रहा है इंसान छोटा मोटा, इसका अगर तू दिमाग को तोलेगा ना तो 2-4 टिकटॉकर से ज्यादा दिमाग निकलेगा मैक्स में। मैक्स 0.5 मैक्स 0.5 होगा इसका नाम। ऐसा वाला भी इसका नाम क्या भैया? टॉमी। अरे टॉमी, इतना अंग्रेजी नाम रखा तूने, बाप रे। इसका सूट नहीं कर रहा टॉमी, बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है टॉमी। गुड्डी थूको मत ना, गुड्डी खाओ, गुड्डी जैसे खाओगे ना तो आपका पेट कल सुबह साफ साफ ही ना हो जाए। ना ना साफ हो बाय गॉड, खा लूं निकल दूं? हां निकल दो गुड्डी, मैं तो हमेशा थूकता था यार। ना निकलो निकलो, मक्को काफल खाएगा? ये जो काफल हम खा रहे हैं ये पेड़ों पे लगते हैं, और इसको तोड़ने की प्रोसेस काफी डिफिकल्ट है। वो सामने देख रहे हो आप, काफल तोड़ लो, और भी काफल के पेड़ होंगे ना यहाँ तो। देखो कितनी मेहनत करते हैं लोग यहाँ। मैक्स चल मैक्स, यार भर भर के काफल खाए हमने, पैक भी करा लिए, और फिर करीबन आधे घंटे बाद वहां से हम लोग निकल पड़े। देखो दोस्तों लॉकडाउन में आपको हमें जाम दिखा रहे हैं, पहाड़ों में ट्रैफिक जाम जो लगते हैं इसी प्रकार के लगते हैं। वो कितना सुंदर घोड़े देख। मैक्स देख क्या है, कौन है देख? हाँ
क्या हुआ? और गाली कर, और गाली कर दे। इतना पतला सा पुल है, वहाँ सामने आर्मी का तो बड़ा ट्रक आ रहा है, वो बेचारा घूम ही नहीं पा रहा है, इतनी मुश्किल से घुमा रहे हैं यार। अरे कहाँ जा रहा है बाइक वाला? अबे अरे 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 अरे, एक के बाद एक ट्रक आते जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। वो बाइक वाला गया था, बाइक वाला आ गया है। देखो ऐसे होता है पहाड़ों में, घूमते रहते हैं लोग। ये आ गए देख, ये यहाँ का कबीर सिंह होगा ना, बरम का कबीर सिंह। ये देखो दोस्तों, हिमालय से कितने नज़दीक हैं, ये देखो। सो बेसिकली वो मुंशारी है सामने जो दिख रहा है, और हम अभी मटकोट के पास हैं, और इतना डिफरेंस इन दो जगहों में कि ये जगह थोड़ी वार्म है, वो बहुत ज़्यादा ठंडी है। सो करीबन 4 घंटे बाद हम पहुँचे सेरा। सेरा पहुँचे तो हमने देखा वहाँ पे तो बड़ी गर्मी है, प्लस हम हल्के हल्का थक गए थे, पर हमने डिसाइड किया कि यार देखो सबसे पहले काम निपटा लेते हैं और फिर मस्ती करेंगे। रुक जा, अंदर नहीं जाना बेटा, अभी नहीं, अभी गाड़ी गंदी हो जाएगी ना, सबको साथ बैठना है। भाई गाड़ी में हम तो आए थे 3 जने, अब हो गए हैं 5। मैक्स नहीं, नहीं नहीं नहीं, भी नहीं जाना, भी नहीं जाना। कलर देख रहे हो उस पानी का, ब्लू एकदम टर्कोइश, कितना सुंदर है यार, अल्टीमेट है बिल्कुल। अच्छा अभी आएगा थोड़े देर में, नहीं नहीं करना। अच्छा मैक्स को पानी में ना जाने देना, इट वॉज डिफिकल्ट मैन। मेरे को दिख रहा था कि ही इज अपसेट, बट ये था कि अगर वो पानी में जाता पूरा गीला हो जाता। यहाँ से हमें आधा पौना घंटा और ट्रैवल करना है दूसरी साइड पे जाने के लिए, और साथ में हमारे ऑफिसर्स भी आने वाले हैं, तो मैं तो भीगा हुआ मैक्स मेरे को चलेगा, पर ऑफिसर्स को थोड़ा पंगा हो सकता है। तो हमने मक्कू से कहा बेटा बाद में तैर लेना थोड़ा, और मक्कू इतना गुड बॉय है भाई, बात पूरी मानता है, तैरा नहीं वो। खैर इसके बाद हम गए लंच करने, और यार लंच टाइम का आपको बताता हूँ, तो ये जो जगह है ना ये बड़ी दूर है, तो ये जो लॉकडाउन वगैरह ना सिटी वगैरह में होता है, इनको कोई मतलब नहीं है लॉकडाउन से, इनके लिए कोरोना तो बीमारी भी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये एरियाज इतने रिमोट है कि यहाँ पे कोरोना तो पहुँचा ही नहीं अभी तक। तो यहाँ पे जो थी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, ढाबे वगैरह खुले हुए थे, और ऐसे ही एक छोटे से ढाबे पे जाके हमने लंच किया। ओहो, इतने महीनों बाद बाहर का खाना खाया और इतना मज़ा आया, मतलब उस खाने का ना स्वाद ही डबल हो गया भाई। खैर लंच वॉज डिलीशियस, एंड हमने इतना ज़्यादा सूत दिया कि हमें नींद आने लगी, पर हमने कहा ना 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 भैया अभी फटाफट काम निपटा लो, क्योंकि फिर आके मस्ती भी तो करनी है वापस। एंड वी लेफ्ट फॉर मटकोट। देखो हम कहाँ है ना, पहाड़ बरसातों में ना इसमें और ज़्यादा पानी होता है, इतना मज़ा आता है ना सीरियसली। देखो नदी, और इस पहाड़ के जस्ट पीछे हिमालय। देखो ये है TRC गवर्नमेंट का जो रेस्ट हाउस होता है, और वहाँ से ना पूरा ऊपर से वहाँ से यहाँ से पूरी स्लैंड स्लाइड हुई, और पूरा इसके अंदर मलबा भर गया, पूरा अंदर से टूट फूट गया ये, अब बस ऐसे ही है, तब से कोई आए नहीं, कई साल हो गए यहाँ पे। अभी तैरेगा थोड़ी देर में, आ जा। After 2 hours, अपना सारा काम खत्म करके वी केम बैक टू सेरा। शाम के 4 बज चुके थे, धूप जा चुकी थी, हम बहुत थक गए थे, और बस अब तो गर्म पानी में कूदने का इंतजार था। जाओ, हाँ जाओ, हाँ जाओ, जाओ 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 जाओ, ये है। अरे 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 अरे, पर दलदल है बेटा यहाँ पे,
जम को ये तो गरम पानी है। ओ डाइव मैक्स की डाइव। 1 2 मैक्स क्या गरम दो पानी बहुत गरम है एक्चुअली ये क्या हुआ क्या हुआ नहीं नहीं करके साफ हो गए तो गंदा होने क्या थे प्रभु आजा 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 कौन आ रहा है गुड बॉय कौन है आजा एक लास्ट 1 1 2 दूर गया मैक्स कम ऑन यस कम ऑन आजा बस ये हो गया लास्ट था मैक्स का आ जाओ ये गुड बॉय मोतू गंदा मत हो यहाँ A few moments later. अबे ओए, अभी नहाया है मैक्स अबे पहचान में भी नहीं आ रहा भाई सुअर लग रहा है भाई साहब मेरा बेटा था यहाँ पे सुअर भाई साहब अब हम नीचे जा रहे हैं जो नहाने के लिए पॉन्ड वो बने हुए हैं डिक्की वहाँ पे नहा के और मैक्स को भी नहला देंगे अबे पहचान में भी नहीं आ रहा मैक्स ओ चल स्लो स्लो बहुत मजे आ रहे हैं मुझे पता था मैक्स वहां पे जाके ना सुअर वाली हरकत करेगा इसलिए जो स्मार्ट एक मिनट ये जो स्मार्ट बॉय है ये घर से ही शैम्पू लेके गया था मुझे पता था गंदा होगा तो वहीं पे नहला दो तो ये शैम्पू है जो मैक्स के यूज़ करते हैं और इसके रिजल्ट ना बहुत ही अमेजिंग है फॉर मैक्स एंड फॉर गोस्ट बोथ अभी ये जो शानदार सा सुंदर सा इंसान आपको दिख रहा है वाह जल परा इनको भाई साहब को नहलाना है हमने तो वही प्लान कर रहे हैं कैसे नहला है पानी बहुत गर्म है एक्चुअली अच्छा कूद मार बेटू यहाँ से वो नीचे नहला देते हैं सॉरी मैक्स वो नीचे नहला देते हैं यहाँ नहीं आ पा रहा मैक्स इतना गर्म है पानी यहाँ तक भाप आ रही है मेरे को अच्छा ओए ये ले ये खाएगा गा फिसलना मत रुक जा अच्छा पानी का फेंकने पड़ेगा एक बार पानी में चले जा कितना मैक्स फिर कीचड़ में चले गया अबे कीचड़ ही मिला बेटू मारेगा धरी मेरे को
अच्छा दो मिनट में आपको ना ये जो शैम्पू है इसके बारे में बताता हूँ। सो बेसिकली शैम्पू मेरे पास आया था करीबन 5-6 महीने पहले। जब मैंने इसे देखा तो मैंने कभी ब्रांड का नाम सुना नहीं था। नेट पे थोड़ा रिसर्च किया तो मेरे को पता लगा कि एक छोटा सा ब्रांड है। एंड व्हेन आई यूज्ड इट, जब मैंने इसको यूज़ किया तो भाई साहब जो मैं सरप्राइज था ना, मैं एक्चुअली जो शैम्पू यूज़ कर रहा था उससे पहले, अब मैं उसका नाम नहीं ले सकता हूँ, बट वो इससे 2-3 times महंगा था बिकॉज गोस्टू का फर ना बड़ा थिक है। तो उसके लिए मैं बेस्ट शैम्पू जो मेरे को लगता था वो मैं लेके आया था। जब मैं वो शैम्पू यूज़ कर रहा था तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट आई डिडंट रियलाइज कि वो शैम्पू की वजह से हो रही है। जैसे मैक्स वेलकिल की खुजली रहती थी, गोश्त का जो फर था वो अजीब सा चिपचिपासा अजीब सा रहता था। एंड व्हेन आई यूज दिस शैम्पू फॉर द फर्स्ट टाइम, ओ भाई आई वॉज सरप्राइज्ड। खैर इस शैम्पू से जब मैं उन्हें नहलाने लगा तो मैंने देखा भैया मक्खू और गोश्तू का जो कोट है वो एकदम शाइन मार रहा है। शाइन तो मार ही रहा है और साथ में खुशबू भी आ रही है। इनफैक्ट जब इनको नहलाओ ना तो बाथरूम से तो खुशबू आती है यार। एक चीज़ और जो धरी बोल रहा है, धरी कह रहा है कि एक चीज़ और बहुत अच्छी है इसकी कि जब इससे हम नहलाते हैं ना मैक्स गोस्ट को तो पानी इतना कम यूज़ होता है, ये इतना स्मूथ है, हल्का सा लगाओगे आप खूब सारा झाग बन जाएगा, अंदर आराम से धुल जाता है क्योंकि डॉग की स्किन के हिसाब से इन्होंने बनाया ना। सो करीबन 3-4 महीने से मैं इसको यूज़ कर रहा था एंड देन फाइनली मैंने इन कंपनी को मेल लिखा कि भाई इतना अच्छा प्रोडक्ट है आपका, आई रियली अप्रिशिएट इट। एंड देन उनका मेल बैक आ गया तो फिर मैंने उन्हें बताया कि हमारा एक चैनल है नॉन दोस्तिंग, तो फिर हमारी दोस्ती हो गई जो फाउंडर है क्षितिज उनसे। एंड उनसे बात करके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भैया बंदा क्रेजी डॉग लवर है और वही पता है वही रीज़न है कि ये प्रोडक्ट इतना अमेजिंग है। दोस्तों हम इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के शैम्पूज वगैरह यूज़ करते हैं, अरबों में ये लोग रुपया कमाते हैं और इतना घटिया प्रोडक्ट हमें बेचते हैं ना। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो छोटी स्केल की कंपनीज है उनका प्रोडक्ट आप यूज़ करके अगर आपको पसंद आए तो वो खरीदेगा। खैर डिस्क्रिप्शन में ये शैम्पू का लिंक वगैरह है तो अगर आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो, ट्राई करके देखो, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो मैक्स को हमने नहाई नहीं करवाई, फिर सूरी ने नहाई नहीं करी, फिर अंकुर ने नहाई नहीं करी और मैंने मुंह धोया। एंड फाइनली अब टाइम था जो घर से हम लाए थे इतना अच्छा अच्छा खाना, उसको खाने का टाइम था। ये मैक्स के लिए मट्ठा लेके आए थे स्पेशली, इसकी दादी ने भिजवाया है, बोला कि मक्कू का मट्ठा पूरा ख़त्म करना है। मक्कू से बैठ जाओ, बिल्कुल चलो ले ले पी ले बाबू पी ले, दादी भी। तो भैया खाना वाना अब हमारा सारा हो चुका है और अब हम घर जा रहे हैं टाइटली। बहुत अफसोस है हमें, क्यों मक्कू? बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे, खूब तैर लिया, खूब नहा लिया और अभी 5 बज गए हैं, हम थोड़ा लेट हो गए। वो ऊपर हल्की सी बर्फ़ दिख रही थी और उधर हिमालय से जो अभी पीछे छुप गए हैं बादलों के, और कभी भी तो और बरखा कभी भी आ सकती है, तो अब घर चलना चाहिए। क्यों भाई फिर से आ जाएंगे क्यों? मैंने खाया और ऑलमोस्ट अंधेरा हो ही गया था, मतलब इतने थक गए थे ना हम लोग, बट इट वॉज़ अ डे वेल स्पेंड। दोस्तों लॉकडाउन के बाद ना इतने टाइम बाद हम बाहर निकले एंड इट वॉज सो रिफ्रेशिंग, इतना अच्छा लग रहा था। पर एक चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जिस बीमारी से हम लोग लड़ रहे हैं वो बड़ी डेंजरस है एंड स्टेइंग इनसाइड एंड बीइंग वेरी कॉशियस इज़ द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड। सो बेसिकली उत्तराखंड गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स आ रहे थे और इसलिए हमें वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी हो गया था, और एल्स मैं वहाँ पे जाता नहीं। प्लस वो जो एरिया वो इतना रिमोट है कि कोरोना को वहाँ पहुँचने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। सो गाइज बस यही है एंड आई होप टू सी यू गाइज अगेन वेरी सून अगले वीडियो में। एंड टिल देन द हिमालयनस की ओवर एंड आउट। तो फाइनली हम घर पहुँच गए और अभी गोस्टू बेचारा बड़ा सैड है, तो अभी हमें देख के देखते हैं कितना एक्साइटेड होता है, क्या होता है। सुन लिया होगा उसने मेरी आवाज़ रिकॉर्ड करते हुए भी, इतना थक गया हूँ मेरे बॉडी में ताकत ही नहीं है भाई। गोतिया ओए आय 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 ओ हो हाँ। अरे